कर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारुका ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज यादव सिंह नारुका और नारुका ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बारकड़ी इन इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, बारकड़ी इन इंग्लिश एंड हिंदी, है ना फ्रेंड। तो उससे पहले मैं आपको मोटिवेशन कोड बताता हूँ। वो मोटिवेशन क्या है, वो मोटिवेशन है उम्र थका नहीं सकती ठोके गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती ठोके गिरा नहीं सकती। अगर जीतो तो जीतने की, तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। तो एक और मोटिवेशन कोड, वो क्या है मोटिवेशन कोड अरे मंजिल नॉलेज का तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डालकर कहा, चल चुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो यही थे अपने मोटिवेशन को। तो उससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात सुनाता हूँ। वो अच्छी सी बात क्या, वो है आपको सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे रहना चाहिए घर पे, है ना फ्रेंड्स। तो करते हैं बारकड़ी इन इंग्लिश एंड हिंदी की वीडियो को बिना किस देरी के स्टार्ट। पहले क्या है, पहले है श, क्या है श, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एच, क्या लिखेंगे एस एच, यो गया अपने शाह। अब जो हमारा शाह है, क्या है फ्रेंड्स शाह, तो अपन शाह को कैसे लिखेंगे अपन शाह को लिखेंगे फ्रेंड्स एस एच एस एच ए, क्या फ्रेंड्स एस एच ए, ये हो गया अपने शाह। क्या हो गया फ्रेंड्स शाह। अब है अपने शी, क्या है फ्रेंड्स शी, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एस एच आई, क्या फ्रेंड्स एस एच आई, ये हो गया शी। अब अपने शी, तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं एस एच डबल ई, इनको ई ई नहीं बोलना है, इनको डबल ई बोलना है ना फ्रेंड्स। अब शू, क्या है फ्रेंड शू, तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, इसको अपन लिखेंगे इंग्लिश में एस एच यू। देखो आप बोल के देखो शू, तो इसमें यू की भी आ रही है, इसलिए अपन यू लगा देंगे, ये हो गया अपने शू। अब क्या है, अब है शू फ्रेंड्स दूसरा शू, तो इस शू को अपन कैसे लिखेंगे, शू को अपन एस एच ऐसा का ऐसा नहीं लिख देंगे अपन, एस एच यू नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स अपन शू, है ना शू बोलते हैं ना। तो देखो इनमें डबल ओ लिखेंगे, इनको ओ ओ नहीं बोलना, इनको डबल ओ ओ बोलना, इसके जैसे नहीं लिखना एस एच यू एस एच यू, ऐसे नहीं लिखना, इसमें एस एच डबल ओ आएगा और इसमें एस एच यू आएगा, है ना। अब शे, क्या है फ्रेंड शे, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन एच एस एच फिर लिख देंगे अपन ई,
क्या लिख देंगे? SHE। ये हो गया अपने शेन। अब है अपने अब शेन। क्या सुना? सी शेन। क्या शेन? तो इसको अपन कैसे लिखें? इसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे SH लिख देंगे पहले, फिर आई बढ़ा देंगे, ए आई बढ़ा देंगे। ये हो गया अपने शेन। क्या हो गया फ्रेंड्स? शेन। अब है शो। क्या फ्रेंड्स? शो। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन SHO। आप बोलो शो, तो इसमें ओ की भी आ रही है इसलिए अपन ओ लिख देंगे, है ना। ये हो गया अपने शो। क्या हो गया फ्रेंड्स? शो। अब है अपने शो। क्या फ्रेंड्स? शो। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? इसको अपन इंग्लिश में आज, है ना, फिर AU। क्या फ्रेंड्स? AU। ये हो गया अपने शो। क्या हो गया फ्रेंड्स? शो। अब है संग। क्या फ्रेंड्स? संग। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको एस एच ए एन। क्या फ्रेंड्स? SHEN। ये हो गया अपने संग। अब है शहर। क्या फ्रेंड्स? शहर। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन SHEH। क्या फ्रेंड्स? SHEH। ये हो गया अपने शहर। क्या हो गया फ्रेंड्स? शहर। अब वो ये शहर। क्या शहर? तो जो अपन शेरशाह शीशी ये वाला इंग्लिश में लिख लिया था ना, तो इसकी जो इंग्लिश है ये श और श, इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी। एस एच मैंने भैया एस एच लिखा है, एस एच लिखा है ना। तो ये जो श से लिखा जो शहर तक है और जो शह से लिखा शहर तक है, उन दोनों की इंग्लिश सेम ही होती है ना फ्रेंड्स। तो अब ये शह तो हो गया, अब है शाह। क्या फ्रेंड्स? शाह। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन सेम टू सेम है SHE। सेम टू सेम है सारे फ्रेंड्स, सारे सेम टू सेम है ना। शाह तो हो गया अपने। अब है शी। क्या फ्रेंड्स? शी। ये दोनों सेम है SHU, है ना। अब शू। क्या फ्रेंड्स? शू। इसको अपन SHOO। अब है शे। इसको अपन SHEE। सही। क्या फ्रेंड्स? सही। तो इसको अपन SHEI। ये हो गया अपने सही। अब शो। क्या फ्रेंड्स? शो। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन इंग्लिश में SHO। क्या फ्रेंड्स? शो।
अबे शव, क्या सुना शव, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इको एस एच ए यू, एस एच ए यू। फ्रेंड्स, अब है हमारा शह, शंग। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको अपन एस एच ए एन, क्या फ्रेंड्स? एस एच ए एन, ये हो गया अपने शंग। अरे शह, क्या फ्रेंड्स? शह। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एस एच ए एच, है ना? ये क्या हो गया फ्रेंड्स? अपने शह। अबे सर, क्या फ्रेंड्स? सर। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एस लिखेंगे। अबे सा, क्या फ्रेंड्स? सा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एस एस ए लिखेंगे। इसमें अच्छे नहीं लगेगा फ्रेंड्स, इसमें अच्छे नहीं लगेगा, है ना? अबे सी, क्या फ्रेंड्स? सी। तो इसको अपन एस ई, एस आई, ये हो गया अपने सी। अबे सी, क्या फ्रेंड्स? सी। तो इसको अपन एस डबल ई, इनको ई नहीं बोलना है, इनको डबल ई बोलना, बस इसके बीच में एच नहीं जोड़ना। क्या? एच नहीं जोड़ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सू ऐसे आते हैं ना, इसमें हा की दुनिया नहीं आती, इसलिए अबे सू, क्या फ्रेंड्स? सू। तो उसका अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन एस यू, क्या फ्रेंड्स? एस यू, ये हो गया अपने सू। अब सू, क्या फ्रेंड्स? सू। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एस डबल ओ, क्या फ्रेंड्स? एस डबल ओ। अब अपने से, क्या फ्रेंड्स? से। तो इसको अपन लिखेंगे एस ई, क्या फ्रेंड्स? एस ई। अब सही, क्या फ्रेंड्स? सही। तो इसको अपन एस ए आई, सही। अब सो, क्या फ्रेंड्स? सो। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको अपन इंग्लिश में एस एस ए ओ, क्या फ्रेंड्स? एस ओ आएगा, एस ओ, है ना? ये हो गया अपने सो, क्या हो गया फ्रेंड्स? सो। अब सो, क्या फ्रेंड्स? सो। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको अपन इंग्लिश में एस ए यू, क्या लिखेंगे? एस ए यू, ये हो गया अपने सो, क्या हो गया फ्रेंड्स? सो। अब संग, क्या फ्रेंड्स? संग। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको अपन एस ए एन, क्या फ्रेंड्स? एस ए एन, ये हो गया अपने संग, है ना? अब सह, क्या फ्रेंड्स? सह। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको अपन एस ए एच लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने शह से लिखा है अपने सह तक तो हो गए, अब ह तक लिख, अब एक लाइन और बची है ह से लेकर ह तक, है ना फ्रेंड्स? तो इसको अपन लिखते हैं अब ह का। तो ह का अपन कैसे लिखेंगे? ह का
एच। क्या लिखेंगे? एच। अपने हाँ क्या फ्रेंड्स? हाँ, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? उसको अपन एच ए। क्या लिखेंगे? एच ए। ये हो गया अपने हा। अब है ही। क्या फ्रेंड्स? ही। तो इसको अपन एच आई। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? एस आई। ये हो गया अपने सी। अबे सॉरी ही है ना, तो ये अपने ही हो गया। अबे ही, तो अपन ही को एच। क्या लिखेंगे? पहले एच, फिर डबल ई। क्या लिखेंगे? डबल ई। ये हो गया अपने ही। अब हु। क्या फ्रेंड्स? हु। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? उसको अपन लिखेंगे एच यू हु। अब हु। क्या फ्रेंड्स? हु। इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन एच डबल ओ। क्या लिख देंगे? एच डबल ओ। अब है। क्या है? इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एच ई। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? एच ई। ये हो गया अपने है। अब हाई। क्या फ्रेंड्स? हाई। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एच फिर ए आई। क्या फ्रेंड्स? एस ए आई। अबे हो। क्या हो? तो इसको अपन एच ओ हो। क्या फ्रेंड्स? एच ओ हो तो अपने हो गया। अबे हाउ। क्या फ्रेंड्स? हाउ। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको अपन एच ए यू। एच ए यू। ये हो गया अपने हाउ। क्या हो गया फ्रेंड्स? हाउ। अपने हाँ से लेकर हाउ तक तो हो गया। अब टू और बाकी है। टू और बाकी है ना, हंग हंग और हा हा। क्या फ्रेंड्स? हंग हो हा हा बाकी है ना। अब लिखेंगे हंग। क्या है फ्रेंड्स? हंग। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन एच ए एन। क्या फ्रेंड्स? एस एच ए एन। ये हो गया हमने हंग। अबे हा हा। क्या हा हा? तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अब हा हा से लेकर अपन हाउ तक आए थे, अब आ गए अपन हंग तक। क्या गए? हा से लेकर हंग तक। अब वनी बचा है। क्या बचा है? वनी। तो इसको अपन लिखेंगे इंग्लिश में एच एच ए एच। क्या फ्रेंड्स? एच ए एच। तो ये हो गया अपने पूरे शहर से लेकर हा तक। क्या हो गया? शहर से लेकर हा तक। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना और बेल आइकन को रिपीट कर देना है ना फ्रेंड्स। और जो हमारा मोटो है वो क्या है? आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत। जय हिंद वेरी मच।